कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड पर तनाव बढ़ा, जय कर्नाटक ग्रुप का विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में भी हो रहा है विरोध प्रदर्शन, गृहमंत्री जी परमेश्वरा का उनके घर का घेराव। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग, पुलिस ने लिया हिरासत। नेहा के घर पहुंची मंत्री लक्ष्मी हेबलकर, माता पिता का दर्द छलका, इंसाफ की गुहार। नेहा की हत्या पर सियासत काफी तेज, बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने कहा कांग्रेस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, निजी कारणों की वजह से घटना, कानून व्यवस्था का सवाल नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, हिंदू लड़की के साथ 2 साल रहने के बाद किया प्रताड़ित। पीड़ित की मां ने कहा उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। ओवैसी का बयान, इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए वोट डालने की अपील की धार्मिक आधार पर। माधवी लता की सफाई, वीडियो का गलत मतलब निकाला गया, गलत तथ्य पेश किए गए। गिरिराज सिंह का बयान, हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोले 33 करोड़ देवताओं को याद करने वाले मोदी देश के 140 करोड़ लोगों की देखभाल नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी जी कहते हैं कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, मेरे तो नाम में शिव है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी का मुद्दा उठाया, बोले केंद्र सरकार ने 8 से 10 साल से रेलवे में कोई अच्छी बहाली नहीं निकाली। शरद पवार का आज तक कोई इंटरव्यू, कहा बीजेपी को मालूम था कि महाराष्ट्र में वो नहीं जीत सकते, इसलिए ईडी सीबीआई सीआईडी का इस्तेमाल। पवार ने कहा कोई भी कह सकता है असली एनसीपी हम है, लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई, लोग इस पर हंस रहे हैं। वहीं आज चुनावी मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली, 4 रैलियां हैं, पहले नांदेड़ फिर परभणी में पीएम करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में चिक्का बलापुर और शाम को बेंगलुरु नॉर्थ में रैली करेंगे। वहीं अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे, पहले भीड़वाला में करेंगे चुनावी शंखनाद, तो दोपहर में कोटा और शाम वृंदावन में जनता के बीच होंगे अमित शाह। राहुल गांधी की आज भागलपुर और अमरोहा में रैली होनी है, अखिलेश यादव भी होंगे अमरोहा की रैली में राहुल गांधी के साथ। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी केरल के चलाकुड़ी और पथानमथिट्टा चुनाव प्रचार, यहां बाद में तिरुवनंतपुरम में रोड शो के बाद जनसभा भी। अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर में की बैठक, अग्निवीर को लेकर साधा निशाना, कहा अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं तो पैसे बचाने के लिए पुलिस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। बीएसपी ने 11 और उम्मीदवारों की अपनी 6ठी सूची जारी कर दी है, हरदोई से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम को चुना, वाराणसी से सैयद नियाज अली बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए। 5 महीने में 21 लाख रुपए बड़ी शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति, नामांकन में 3 करोड़ 42 लाख की संपत्ति का ब्यौरा। उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही। संविधान विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे वो नष्ट होने के लिए तैयार है। एलन मस्क भारत में फैक्ट्री लगाने का करने वाले थे ऐलान, 2 से 3 बिलियन डॉलर के निवेश की उम्मीद। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, हाईवे से नीचे पलटी मिनी ट्रेवलर बस, बस में जा रहे थे 32 बाराती जख्मी, एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही। उधर मैनपुरी में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 4 लोगों की मौत। ओडिशा के झारसुगड़ा में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 7 लोगों की मौत। माला में बदला मौसम का मिजाज, अप्रैल के महीने में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अंबाला में तूफानी हवा के साथ ही तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, परेशान दिखे किसान। सहारनपुर में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल ढह गया, यातायात प्रभावित। उधर शिमला में भी बरसे बादल, ताजा बारिश की तस्वीरें सामने आई। करनाल में बारिश और ओलावृष्टि से हुए हाल बेहाल, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान परेशान। पटियाला में कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश, शहर के कई इलाकों से तस्वीरें आई हैं बारिश की। उधमपुर में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात रुका।
छत्रपति संभाजीनगर में रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने लगा बढ़ते तापमान का असर। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी का पारा पहुंचा 40 के पार। जबकि नागपुर में मतदान के दिन तापमान 41 डिग्री के पार, मतदान के प्रतिशत पर भी इसका असर देखने को मिला। जालंधर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, शहर में जमकर गिरे ओले। कांगड़ा घाटी में भी एक हफ्ते से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों से बारिश की तस्वीरें। चेन्नई में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, हीट वेव से परेशान लोग। गुरुग्राम में पार्षद और उसके गैंगस्टर भाई की दबंगई, पड़ोसियों पर हमले का आरोप, पथराव और फायरिंग। पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, 10वीं तक के सभी स्कूलों को 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश। कानपुर में मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, चादर की आड़ में शटर का ताला खोलकर अंदर दुकान में घुसे थे चोर। ग्वालियर के संगम वाटिका में लग गई आग, दूर दूर तक उठी आग की लपटें। झारखंड के छतरा में संचालित एनटीपीसी प्लांट में भीषण आग, हादसे का वीडियो सामने आया। तिरुपति के तिरुमाला के पास जंगलों में भयानक आग, वन्य जीवन को भी नुकसान पहुंचा है। कानपुर में एक कबाड़ के गोदाम में आग, दूर दूर तक उठी भयंकर आग की लपटें। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने की गुजरात में प्राचीन विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज, तस्वीरें सामने। संगरूर जेल में भिड़ गए दो कैदियों के गुट, दो कैदियों की जान जा चुकी है, दो की हालत नाजुक बताई जा रही। ग्वालियर में पोते की चाह रखने वाली दादी ने अपनी 4 दिन की पोती की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर में बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट, करीब 10 से 12 लड़कों ने किया हमला। सूरत में संपत्ति विवाद में मां बेटी ने लगा ली गन्ने के खेत में आग, मामला दर्ज होने के बाद मां बेटी गिरफ्तार। जबकि तिरुपति के तिरुमाला के पास जंगलों में भयानक आग, आसमान में दिखा आग का तांडव, कई फीट ऊंची उठती दिखी आग की लपटें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोदाम में भीषण आग के कारण निकले धुएं से ढका आसमान। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, करीब 10 से 12 लड़कों ने इस हमले को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एक गारमेंट शोरूम में भीषण आग लगने से घटना सामने आई है। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के सुपर मार्केट क्षेत्र की 8 दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कुलगाम में 4 मजदूर खाई में गिर गए, जिला अस्पताल में 2 की मौत हो गई, बाकी की हालत नाजुक बनी हुई है।